तो अभी क्या है, स्ट्रेचिंग है नॉर्मल, क्या करेंगे अपनी हाइट के अकॉर्डिंग कोई ना कोई पार्टनर ढूंढना है। ओके ठीक है, तो आप जो होगा ये होगा लेट जाओ सीधा, हाँ आप में से एक जाओ लेट जाओ इधर इसके जैसे ये अपना रूटीन। यदि मान लो एक्सरसाइज वगैरह प्रैक्टिस हो गई है, हल्का वार्म अप हो गया या रनिंग करके आ गई, उसके बाद की स्ट्रेचिंग है। ओके, ऑल मसल्स की, नर्वस सिस्टम की, स्पाइन की, सारी चीजें इसमें इंक्लूड है। तो ये क्यों जरूरी है कि अगर डेली अपन ये थोड़ा सा स्ट्रेचिंग या स्ट्रेंथनिंग नहीं करेंगे तो लॉन्ग टर्म में प्रैक्टिस करते करते इंजरी हो जाएगी या मसल डेड होनी शुरू हो जाएगी या कोई सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाएगी, कुछ ना कुछ समस्या शुरू हो जाएगी बॉडी के अंदर। इससे क्या है, तो मसल जो आपने पूरे दिन काम में लिए उसकी स्ट्रेचिंग भी होगी, स्ट्रेंथनिंग भी होगी और वो तो सबसे पहले थोड़ा ऊपर की तरफ थोड़ा सा ऊपर जाओ देखना है और आपको खुद को भी फील करना है कि कितना दरारा वहाँ लेंगे, कितनी कैपेसिटी है या कितना दब गया, मतलब हाँ उसका पेन, हाँ पेन भी फील करना है और उसका स्ट्रेस भी फील करना है। जो लेटा हुआ है उसका काम ये है कि एंड अगर हो गया और ज़्यादा दबा रहा है पार्टनर तो अंगूठा खड़ा कर देना है अपना हाथ का, ठीक है, लेटा हुआ है उसका काम है, एंड हो गया तो अंगूठा उठा देना है, ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, एक पैर को उठा देना है, कुछ कुछ नहीं करना, पड़े रहो आराम से रिलैक्स, सब कुछ ढीला छोड़ करके जो करना है ऊपर वाला करेगा। हाथ साइड में कर लो दोनों, घुटना मोड़ो, ये वाला पैर यहाँ ले लिया, इस घुटने को ले लो, एक पैर साइड में लिया और इसके हिप के आगे थोड़ा सा घुटने में फंसा लिया, इस हाथ को इस पे रहना कि ये उठे ना इसका। ओके, और इसको अब इसको मोड़ते जाना है अपने को। ओके, हैमस्ट्रिंग पूरी स्ट्रेच हो जाएगी, ऊपर वाले का काम है उसका थंब देखते रहना कि ज्यादा हो गया, आदत नहीं है उसको तो फिर क्या होगा, आपका ठीक है ना, थोड़ा स्ट्रेच ज्यादा हो सकता है, फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, सेम दूसरा पैर लिया, ये वाला पैर उसके घुटने के पास में रखा, ये अंदर की साइड में रखो, ये वाला पैर, ये वाला नहीं बैलेंस, हाँ और हानि तो आपका खुद का बैलेंस नहीं बनेगा, जो करवाने वाला है उसका बैलेंस बनना बहुत जरूरी है। वो हो गया, अब इसको मोड़ते जाओ, ये हाथ आप इस पर रख लो ताकि वो घुटना उठे नहीं, पाँच छः सेकंड तक होल्ड रखना है एंड मोमेंट पे, उसके बाद वैसे ही धीरे धीरे वापस, झटके से वापस भी नहीं आने देना है, पैर पकड़ा वापस रिलैक्स। ठीक है, अब क्या करना है, इसका ये वाला पैर उठाना है, इस अंगूठे में अंगूठे और उंगली में डालो इसको, एडी को इसमें फंसाओ, अपना फंसा लिया, गर्दन को इधर, कान को टच होना चाहिए जमीन के ऊपर, यस, और दोनों हाथ साइड में, इसको हथेली को जमीन पे, उस हथेली को जमीन थोड़ा सा उधर से जाओ, हाँ हथेली जमीन के ऊपर उल्टा सीधा ऐसे, हाँ हथेली जमीन पे, कान ये वाला इधर टच हो गया, अब इसको क्या करना है, यहाँ से लिया और इसको इधर टच करवाना है, ये पूरा ऐसे कैसे इधर जाना चाहिए, घुटना बैंड नहीं होना चाहिए, सीधे रखो घुटने, यस घुटने सीधे, अभी कायदे से क्या है, ये पूरा वहाँ टच हो जाना चाहिए लेकिन नहीं हो रहा है, इसका मतलब स्टिफनेस है बॉडी में, फ्लेक्सिबल नहीं है उसका ओवर टच, गुड कर दिया तुमने, ओके अभी चेंज। अब इसमें ध्यान रखने वाली क्या चीज़ है कि इसका एक तो कान नहीं उठना चाहिए जो जमीन पर लगा हुआ है, दूसरा शोल्डर नहीं उठना चाहिए, ये दोनों जहाँ उठ गया मतलब उतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, आप छोड़ दो उसको वहीं पे होल्ड करके रखो, अब ये वाला इधर आएगा और वो अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, घुटने सीधे रखने हैं, यस, जहां भी इसका स्ट्रेच का एंड आ जाता है वहां पे क्या करना है, पांच से सात सेकंड होल्ड रखना है,
वापस ले आना। ग्रेट रिलैक्स, वापस चेंज हो गया। अभी क्या करना है, ये वाला घुटना पंजा घुटने के ऊपर रख दिया, ये वाला पैर आप यहाँ रख लो ताकि इसका ये पैर फिसल के नीचे ना जाए, ठीक है। ये वाला पैर इधर आ गया, मुंडी वापस इधर इस तरफ, हाँ। इस कंधे पे हाथ रखना है ओके, ताकि ये कंधा नहीं उठे इजीली, और अभी इसको उधर जाने दो, पोजिशन में भी ये जो घुटना है वो टच होता है जमीन पे, है ना, नहीं हुआ है मतलब फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है चेंज, ये दूसरा वाला लग गया वो। अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। अब ये दोनों मोड़ो आगे, ये यहाँ रख लिया हल्का सा कि इससे आगे ना जाए गर्दन, इधर दोनों को इधर जाने, ये आराम से हो जाएगा। बीच में आपने बैठना है, इसको उठा लिया और इसको डालना है कंधे में, और ये वाला यहाँ से नीचे से पकड़ लिया आपने, ठीक है। अब इसको ये नीचे इसका पड़ा रहेगा रिलैक्स रखना है, यहाँ इसके हाथ रखना है कमर के ऊपर लेफ्ट हैंड, राइट से पकड़ लो और इसको उठाओ ऊपर ऐसे, दोनों सामने देखना है, हाँ ये दोनों ऐसे रखने हैं, इसको रखो अपने चेस्ट के पास में, हाथ यहाँ पे यहाँ रख लिए दोनों पंजे यहाँ पे, और आगे से यहाँ से पकड़ना है, हाँ आपको क्या पूरा ये ढीला छोड़ देना है, नीचे का बॉल ढीला, बस यहाँ से उठाएंगे अपन इनको, यस अपनी ताकत से, खुद नहीं उठना आप लोगों को, खुद ताकत हाथों से ताकत लगा ढीला छोड़ो, रिलैक्स। तभी क्या करना है, यहाँ से दोनों पैरों को घुटने के जस्ट आगे से थोड़ा सा पकड़ना है, पीछे से पूरा उठाना है, गर्दन साइड में कर लो, रिलैक्स पूरा बॉडी ढीला छोड़ है। हाथ साइड में कर दो, थोड़े इनके ये मोड़ लिया, ढीला छोड़ो, ये पैर रखो यहाँ पे, ये आपका जो
ये बीच वाला हिस्सा है ना, yes, तलवार इसको बोलते yes, ये रखो यहाँ पैर को, यहाँ घुसा लो, एक हाथ यहाँ रख लो सर, दूसरा पैर भी रख लो यहाँ से ऐसे सर, ये चलो कुछ नहीं होगा, रख लो कुछ नहीं होगा, हाँ रख लो और उसको फंसाओ पैर को अंदर, हाँ बाहर से ला के फंसाओ अंदर, यस अब चढ़ जाओ इसके ऊपर और धीरे धीरे आगे आ जाओ, हाँ और अपने घुटने को मोड़ते जाओ धीरे धीरे, हाँ जहाँ बस हो जाएगी सीधे मिल जाएगा सर, ये कि गया जिंदा है ना वापस आना है, पहले इसको पकड़ के निकालना है एक पैर फिर दूसरा, रिलैक्स शानदार स्ट्रेचिंग, वापस सीधे हो जाओ धीरे, इसको थोड़ा अभी क्या करना है, दोनों पैरों को ऐसे लिया अपने दम पे लो, इधर मुंह कर लो, इसकी कमर को पकड़ लो पैरों से यहाँ से, और दोनों इनको पैरों को यहाँ से पकड़ा, ये वाले हाथ यहाँ दे लो ऐसे, इससे इनकी घुटने सीधे रखो, अब इनको दबाओ नीचे की तरफ, इनको पैरों को हाँ ऐसे दब गया, अंगूठी उठ गई थी बेटा, देखिए ओके ना यस, अंगूठा तो ऊपर ही है, ओके रिलैक्स, इनको पकड़ो आगे आ जाओ, अब इस साइड में आओ, रिलैक्स हो, रिलैक्स अपने आप मत उठाओ, मेरे को उठा देना, अब जो इसके कमर की जो हड्डी जहाँ बैल बांधते हैं उसको अपने टखनों से फील करो, यहाँ पे कमर पकड़ लो इनकी, पकड़ ली सही की नहीं है हाँ पैर से है ना, घुटने मोड़ दो, ऐसे करके आगे ले आओ, आपके घुटने मोड़ लो, ऐसे मोड़ने पड़े ठीक है हाँ मोड़ दो, लियो आगे घुटने मोड़ लो, हाँ सर हाँ आ नहीं रहेगा, आ जाएंगे हाँ दो ऐसे लो, ऐसे लेके अब नीचे को प्रेस करो, ऐसे हाँ नीचे प्रेस कर दो, जान दो जान दो, अब आप घुटने सीधे करो, बीच में एक बार आ रहा स्टेज, अब थोड़ा और नीचे घुटने मोड़ के थोड़ा और नीचे जान दो, अब फिर घुटने सीधे करो, बस यही और रखो, खींचिए पूरी जो मसल है, कहीं कॉम्पिटिशनल का बचाएगा अगर डेली प्रैक्टिस के बाद इतनी स्ट्रेचिंग कर ली ना तो वापस से रेडी हो आप फायर करने के लिए, 6-8 घंटे प्रैक्टिस पूरा जहाँ जहाँ पे 6-8 घंटे की प्रैक्टिस अगर डेली करते हो तो ये स्ट्रेचिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो बॉडी अगले दिन के लिए रेडी नहीं होगी, बड़ी बड़ी रहेगी, आलस आएगा, थकान महसूस होगी, अब रिजल्ट आने दो, धीरे धीरे पकड़ो वापस आ जाओ, यहाँ से पकड़ो ढीला छोड़ो, ठीक है मारो पलटी वापस, थोड़ा नीचे खींच लेते हो और नीचे आ जाओ, हाथ सीधे रखो आगे, अब क्या करना है सामने देखो, अब इनकी बाजू पकड़नी है यहाँ से, ठीक है पूरा बॉडी ढीला छोड़ देना, आप लोग जो नीचे लेटा है वो टाइट रखेगा बॉडी तो मतलब उस मसल को अपने आप वो स्ट्रेच नहीं मिलेगा उतना, तो यहाँ से बाजू पकड़ा और धीरे धीरे जेंटली इनको ऊपर लाना है, हाँ पूरा जो बैकबोन है ना स्पाइन है उसके लिए, करवाने वाले की भी अच्छी एक्सरसाइज रहती है इसमें, आपको नीचे वाले का काम पूरा बॉडी ढीला छोड़े रखना एकदम रिलैक्स, अपने आप जो मसल खींच रही है पेट की भी खींच रही है इसमें, पीछे की मसल्स दब रही है, अभी ये एक पैर उठाया ऊपर इधर ले लो, इस पे रख लो जैसे पैर, और ये वाला पैर इधर रख लो इसके पैर, हाँ उस पैर को उधर ले लो, इसको यहाँ रख लो, आप उतना सीधा रखना है और आपने
इसको आगे ले लो जितना ले सकते हो। अब इसको धीरे 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 नीचे डाल दो, गर्दन उधर। हाँ उसको बढ़ाते रहो, अगर बढ़ाने की गुंजाइश है तो। ये 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए, 90 डिग्री तक आ गया, इट मीन्स की फ्लेक्सिबिलिटी नॉर्मल है। पूरा बॉडी ढीला छोड़ दो, ढीला से। इसके बाद कम से कम 5-10 मिनट का शवासन ऐसे ही पड़े रहेंगे। पूरा बॉडी ढीला छोड़ कर एकदम से पूरा बैटरी वापस चार्ज हो जाएगी। ये मतलब वो टॉनिक, वो दवाई है जो बिना कुछ खाए बॉडी वापस एनर्जी में आए। ये तो फोर्स योगा ही हो गया ना सर, पूरे आसन हो गए। हाँ, बॉडी स्ट्रेचिंग हो गई, आपकी स्ट्रेंथ सब कुछ हो गया इसमें। तो वो ये वाली चीज़ है सर। ये आपकी करानी है? हाँ करानी है। और क्या याद है ना कैसे कैसे करवाया? वीडियो बना चलो खड़े हो जाओ। अब खड़े भी सीधा डायरेक्ट नहीं होना है ऐसे। हाँ कभी भी लेट के कोई ऐसे करके खड़े होते हो ना, लेफ्ट राइट चलेगा लेकिन सीधा नहीं होना है। नई वीडियो।